फ्रेंड मैं डॉक्टर के पहुंच गया हूं, दिखाते हैं चलते हैं फिर घर पे। बिल्कुल आवाज़ नहीं करी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करी, पूरा दबा रहा हूं मैं और गुस्से में और तोड़ दिया मैंने, पता ही नहीं। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और गाइस आज फर्स्ट टाइम मैं लग रहा है, फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम मैं अपने व्लॉग की शुरुआत बिना नहाए कर रहा हूं, क्योंकि यार आज फिर बुखार, मेरे रात को बुखार थी। अब दवाई लेके आऊँगा, पहले नहाऊँगा, मंदिर जाएंगे, वो अपनी ड्यूटी फर्स्ट भगवान की पहले, चाहे कुछ भी हो, कितनी भयंकर बीमार हो, कुछ भी हो, नहाना तो नहीं छोड़ेंगे, मतलब मंदिर जाना नहीं छोड़ सकता। तो पहले नहाएंगे, मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद जाऊंगा डॉक्टर के और फिर दवाई लेके आएंगे। फिर उसके बाद अगर बेटर फील हुआ तो फिर लाइब्रेरी जाऊंगा, वरना फिर नहीं जाऊँ, देखते हैं। तो फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं नहा के, नहा लिया, जल्दी से मंदिर जाते हैं पहले और फिर उसके बाद डॉक्टर के जाके आना है। सीधा वहाँ से डॉक्टर के जाऊँगा या पहले घर पर भी आ सकता हूँ, भरोसा नहीं है, क्योंकि मम्मी ने सब्जी मंगाई है, मिर्च वगैरह, अदरक वगैरह, तो वो लेके आनी है, पहले मम्मी को देनी है, उसके बाद फिर जा सकता हूँ मैं दवाई लेने। पर जाऊँगा यार आज, वरना ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, डॉक्टर के जाके आना पड़ेगा। नन्नू से पूछता हूँ, फिर होगा नन्नू को भी साथ ले जाऊँगा मैं, जाते हैं अभी। अभी भैया आ गए थे तो दादी वगैरह तो बाहर बैठे थे उनके पास, तो अभी नहाएगी दादी, तो अब कपड़े वगैरह निकाल रही है, इतने में नहा लिया, मैं जाता हूँ मंदिर। तो आज गेहूँ साफ कर रही है, पिसवाने के लिए देना है, हमारे एक टंकियों में भर के रखते हैं गेहूँ, और यहाँ टाइसन बनता है हमारे, तो गेहूँ साफ हो रहा है, फिर इनको पीसने डाल के आना है शाम तक। तो मंदिर जाके आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ दवाई लेने सीधा यहीं से मंदिर से ही। वहाँ पे क्या है, कोई पूजा वगैरह हो रही, तो वहाँ मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया मंदिर के अंदर, चलते हैं। मैं डॉक्टर के पहुँच गया हूँ, पीछे क्लिनिक है उसका, हॉस्पिटल है मतलब उसका, तो जाते हैं। फ्रेंड दवाई ले लिए मैंने, अब ये मेडिसिन लेनी है यहाँ से मेडिकल से। सो फ्रेंड्स इन्होंने तो टॉफियाँ दे दी, खाते रहो इनको और ठीक हो जाना जल्दी से। बहुत ज़्यादा थक गया यार, इस स्कूटी को घेंस के ले गया, यहाँ तक स्टार्ट ही नहीं हुई वहाँ पे। सच्ची अपनी स्कूटी या कोई बाइक किसी को नहीं बेची है, ना तो उसके एहसान रहता है ना कोई मतलब है। मैंने लेके आया हूँ इसको, स्टार्ट ही नहीं होती, पूरा फंस लिया, पैदल घेंस के लाया हूँ। बिल्कुल आवाज़ नहीं करी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करी, पूरा दबा रहा हूँ मैं और गुस्से में और तोड़ दिया मैंने, पता नहीं मेरा गुस्सा आया, धीरे तप रहा था खुलाई, इसको थोड़ा सा मारा ही टूट गया, ठीक देते के पागल हो गया मैं बुखार के अंदर भी, दिमाग तो खराब होता है। अभी भैया आ रही नहीं है, बोल रहे हैं कि आ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ अभी, यहाँ बैठे रहो थोड़ी देर, तो इधर बुखार हो रही है, तो दिक्कत थी। सो फ्रेंड मॉर्निंग में तो मेरा बुखार नहीं था, फिर वापस बुखार आ गया यार, जा रहा हूँ घर पे, बोली टेबलेट लेके दवाई लेके सोऊंगा, रेस्ट करूंगा यार, बिल्कुल हिम्मत नहीं है अब तो। और अभी भी इसमें यही दिक्कत है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक से स्टार्ट हो रही है। चलो फिर जाए घर पहुँचते हैं, पहले तो खाना खाते हैं, दवाई लेते हैं, फिर रेस्ट करता हूँ। आ गया हूँ मैं घर पे, आज भी स्वेलिंग दिख रही है क्या आपको फेस में, मेरे को लग रहा है वापस बुखार आ गई। ये सब खाना खाने बैठ गए थे, ये दादी मम्मी सब खा रहे हैं, मैं भी आगे बैठ गया, मज़े ले रहे हैं तेरे, बोलते साथ ऐसी होनी चाहिए, तो खुद इसको सही तो करवाता नहीं है, मेरी मतलब मेरी गलती, मेरे पे निकाल दी इन्होंने। मैं जल्दी से दवाई लेता हूँ और सोता हूँ, रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर, बहुत भयंकर खराब है, आँखें नहीं खुल रही, बल्कि ये पूरा फेस मतलब क्या स्वेलिंग सा लग रहा है, मोटा मोटा, हाथ पैर सब टूट रहे हैं, दर्द हो रहा है भयंकर। फ्रेंड मैंने दवाई ले ली है, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, शाम को मिलता हूँ आपसे, तो गुड नाइट अभी के लिए, देख लो आपको टाइम बता दूँ, 12 बजे गुड नाइट हो रहा है मेरा। सो फ्रेंड्स सुबह सोया था 11:30 समथिंग, और अभी उठाऊँ गला साफ नहीं है, खर खर आवाज़ आ जाएगी आपको, पता नहीं क्या हुआ है यार, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। परसों तक बिल्कुल ठीक था, परसों वहाँ गया था उस टाइम पर थोड़ा बुखार आया, फिर उसके बाद कल पूरे दिन नहीं आया, दोपहर को आया था थोड़ा जब मैं लाइब्रेरी था तब, और भी फिर और वही कल वाली सिचुएशन पे, वो आईज पे स्वेलिंग, यहाँ स्वेलिंग। टाइसन चुप रहे यार, थोड़ी देर सुन ले यार, और बुखार आ रखा है अभी भी, मतलब थोड़ा बेटर फील, कम बुखार, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार। और ये आपको फेस को भी चेंजेस दिख रहे होंगे, आपको स्वेलिंग से दिख रही होगी फेस पे, मेरे को भी लग रहा है ये, और मम्मी बोल रही तेरा पूरा फेस रेड हो रखा है, और ये आँखें छोटी 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 दिख रही है, देखो कैसे देख रहा है मेरे को ये। हाँ बीमार हूँ मैं, तब तेरे पे चिल्ला रहा नहीं हूँ आज, तू शेर होके बैठा रहे बेटे, देखो बोल रहा हूँ एक कड़क सी चाय पिला दो, उससे फ़ायदा होगा, कल भी उससे आया, दीदी ने बनाई थी आज, मम्मी को बोल रहा हूँ आप बना दो कड़क सी बिल्कुल, जिससे थोड़ा बेटर फील हो, कल भी उसकी वजह से थोड़ा गया था मैं पार्क की साइड, घर पे बैठे बैठे बोरिंग सा हो जाता है लाइफ, सच्ची घर पे 1% नहीं होता, ये आँखें वैसे नहीं खुलती मेरी, रास्ते बिल्कुल बंद हो गई, लग रहा होगा आप, पता नहीं, बस ठीक हो जाऊँ जल्दी से यार, फेस ही पूरा स्वेल कर रखा है मेरा तो आज तो। अरे दादी को शादी से फुर्सत नहीं, अभी हल्दी की रस्म में जाके आई है, दीदी की शादी है कल, मेरी तो ये हाल है, मतलब फैमिली इतनी लंबी चौड़ी है हमारी कि कभी किसकी शादी कभी किसकी शादी, अभी हल्दी की रस्म में जाके आई है दादी, और आते ही बोले तेरा फेस देख कैसे सूज रखा है, बुखार है क्या, गर्म हो रखा है, बोले तेरा फेस रेड हो रखा है पूरा, दवाई नहीं ले रखा, अभी जाके आई है दादी, पिता कड़क सी राशन तक भी नहीं है क्या, वो भी देख देख के करे जा रहा है पीछे से, हमारी तरफ देख रहा है, देखो आप मम्मी कड़क सी चाय,
इससे नाक खुलेंगे मेरे, बिल्कुल नाक पे एक है। सो फ्रेंड मैं नंदू के पास आ गया हूँ, यही बैठा था यहाँ पे, इसने बोला कि वहाँ पे आ गया कि इंसाली भैया के पास, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब नीचे एड भी आ रहा है, बैठे ना थोड़ी देर, उसके बाद देखते कहीं जाने आप प्लान हो तो, मैं तो कहीं नहीं आया कार के अंदर, बिल्कुल नीचे नहीं कहीं जाने की, थोड़ी देर आएंगे इंतजार करते हैं, तो उसके बाद घर जाएंगे और फिर काम से जाएंगे, चाहे वो काम मत वहाँ तक जाएंगे। जब मेरी तबियत खराब है तब इन्होंने मंगाई है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये तो वैसे मैं नहीं पी सकता, बुखार है मेरे तो। इतना ऊपर आ गया मैं यहाँ पे, इस पे बिल्डिंग यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है यहाँ की, और ऊपर जा रहा हूँ मैं, ये देखो पीछे का सीन आप देख सकते हो ना, इतना ऊपर पेड़ दर्द करने लगे पीछे देखो। अब आपको सन दिखाता हूँ यहाँ से, ये सीन देखो, ये सीन देखो आप, मतलब पूरी बिल्डिंग के ऊपर हमारी भी, इधर से पूरा देख लो आप ये वाला, और पहाड़ भी दिख रहे हैं वहाँ से पूरे, देखो देखो क्या मस्त व्यूज आ रहे हैं यहाँ से, लौंडा मिल गया हमें यहाँ पे। तो भाई देख लो कितनी प्यारी कटिंग लग रही है मेरी, मस्त एक नंबर, आज ही लग रहा है बाउंसर तो, ये मिला भी नहीं साला, अभी मिला ही इतना जा रहा है तू, ट्वेल्थ इक्कीस बार तो ये पढ़ने में बिजी है थोड़ा, मेरा बाउंसर परमानेंट मेरा बाउंसर रहेगा हमेशा, आपको दिखते रहेंगे थोड़े थोड़े दिन। हाँ चॉकलेट डेढ़ चॉकलेट ही मिल गई, इससे इससे ननन दिया और का मंदिर है, दर्शन हो गए आज अच्छे खासे, तो दर्शन हो गए, अब जा रहा हूँ मैं वापस। और गाइस सही बताऊँ ना, आज अभी के दिन तो ऐसे निकले हैं बोरियत से, बिल्कुल बोरियत से, ना पढ़ाई हो रही है ना कुछ हो रहा है, बुखार में कुछ करने की इच्छा नहीं करती कुछ भी, फिर भी चलो कोई टाइम पीक टाइम ऐसा भी आता है। रो दो के वापस जा रहे हैं हम घर पे, कुछ भी समझो रो दो के, कुछ भी समझो, आज तो वैसे मतलब अजीब सा लगने लग गया अंदर से, अरे तू रुक जा फेस में मत आ, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, और क्या बोल रहा था मैं, कहाँ था रे। तो गाइस अब अजीब सा लगने लग गया उस चीज़ का कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लाइब्रेरी जाके बैठा रहूँगा टाइम पास करूँगा, इससे अच्छा तो बाहर दोस्तों के साथ थोड़ी देर वेट घूमना मजाक करना तो माइंड तो फ्रेश रहेगा, तो नहीं गया कल तो पक्का था, अभी खा रो या ना हो कल तो लाइब्रेरी जाऊँगा यार जल्दी जल्दी, तो क्या वो 10 बजे फिक्स टाइम है अपना, मंदिर मंदिर जाके तभी घर चलते हैं, खाना खाते हैं, बुक्स उठाने का ट्राई करेंगे घर पर, बाकी तो इच्छा नहीं है बुक्स उठाने की। तो फ्रेंड्स अब खाना खाते हैं, इच्छा तो कम ही है, रोटी मिर्ची और ये आलू की सब्जी, तो खाते हैं फिर मिलते हैं आपको जल्दी। दादी अभी गई हुई है वापस से मेहंदी की रस्म थी, पहले हल्दी की रस्म थी, आज मेहंदी की रस्म, अब बाद में शाम को कल शादी है, तो कल शादी में जाना है मेरे को भी, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से ठीक हो जाऊँ, या कभी कभी आता है मौका शादी में कभी कभी, वैसे अभी थोड़े दिन पहले रेगुलर था, बट अभी फिर 10 तारीख को है कल मतलब, तो कल चलेंगे, अभी खाना खाते हैं, ठीक लग रहा है मॉर्निंग से, ठीक लग रहा है अभी, मतलब एनर्जेटिक लग रहा हूँ ठीक घूमने के बाद, दवाई का असर है कुछ भी हो लेकिन एनर्जेटिक रहना जरूरी है यार, खाना खाते हैं अब। सो फ्रेंड्स अब ठीक ठाक लग रहा है, क्या ठीक ठाक लग रहा है, वापस बुखार आ गई, दवाई ली है अदरक का और शहद लिया है अभी देसी नुस्खा दादी का, तो अभी ये बिल्कुल साफ हुआ है, ये जो भी बोलते हैं इसको फुट पाइप या ऑक्सीजन पाइप जो भी है वो अब ठीक हुआ है, क्लीन हुई है। तो आज के व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलता है कल न्यू व्लॉग के साथ, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे इसको लाइक करना कमेंट करना शेयर करना, इस चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करना, टाटा बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।